मैथ टू एक्सरसाइज आज हम शुरू करेंगे 4C। तो इसका पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पार्ट ए है ए स्केयर प्लस 14 ए प्लस 49। ए स्केयर आपको ऐसे ही आ जाएगा, 14 के आप लोग दो पार्ट बनाओगे वो हमारे पास होता है 7A प्लस 7A। इन दोनों को देखें अगर हम ऐड करें तो वो 14 आ जाएगा, 7A प्लस 7 वो क्या आ जाएगा 14A, प्लस 49 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ए स्केयर प्लस 7A इसमें से अगर हम कॉमन देखें तो वो हमारा A आ रहा है, बाकी अंदर क्या आ जाएगा A प्लस 7, और 7A प्लस 49 इसमें से हमारा कॉमन 7 आ जाएगा, जबकि अंदर ब्रैकेट्स में A प्लस 7 आ जाएगा। अब अगेन हमारा कॉमन दोनों में A प्लस 7 एंड A प्लस 7 आ रहा है, इसके साथ वैल्यू हमारे पास A बच रही है और ये प्लस 7, इनको भी आप लोग ब्रैकेट्स में लिख दोगे। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो जिस वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा A प्लस 7 होल स्केयर। नेक्स्ट पार्ट था 4B स्केयर प्लस 4B प्लस 1। 4B स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, 4B हमारे पास होगा 2B प्लस 2B प्लस 1। अब 4B स्केयर प्लस 2B इनमें से कॉमन हमारा 2B आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में 2B प्लस 1, और प्लस 2B प्लस 1 इसमें से कॉमन हमारा 1 आ रहा है तो 2B प्लस 1। इन दोनों में से अगेन कॉमन अगर हम देखें तो वो 2B प्लस 1, ये सेम दोनों में आ रहा है 2B प्लस 1। अब इसके साथ 2B प्लस 1 के साथ 2B आ रहा है और इसके साथ 1 आ रहा है, तो इसको भी आप लोगों ने ब्रैकेट में बंद करना है, तो ये सेम वैल्यू आ रही है, इस वजह से ये हमारे पास 2B प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है एम स्केयर माइनस 10m प्लस 25। एम स्केयर ऐसे ही आ जाएगा और माइनस 10m ये होता है माइनस 5m माइनस 5m प्लस 25 ऐसे ही आ जाएगा। देखें 5m माइनस 5m तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 10m, तो 10m को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 5m माइनस 5m। इन दोनों में से हमारा कॉमन आ जाएगा m, अंदर ब्रैकेट में m माइनस 5, और इन दोनों में से कॉमन हमारा माइनस 5 आ जाएगा तो वो m माइनस 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अगेन दोनों में हमारा कॉमन m माइनस 5 आ रहा है तो अंदर ब्रैकेट में m माइनस 5, सेम वैल्यू आ रही तो ये m माइनस 5 होल स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एस स्केयर माइनस 144। एस स्केयर ऐसे ही आ जाएगा माइनस 144 वो होता है 12 का स्केयर, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा अप्लाई करने से, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एस प्लस 12 लिख देंगे इंटू एस माइनस 12 लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट 36 टी स्केयर माइनस 25। 36 6 का स्केयर होता है और टी हमारे स्केयर टी का माइनस 25 5 का स्केयर, इस पे भी हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस तरह ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला 6t प्लस 5 आ जाएगा इंटू 6t माइनस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 59 स्केयर माइनस 41 स्केयर, तो ये भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास अप्लाई करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये स्केयर पहले बना हुआ था इसको आप लोगों ने फार्मूले के तहत 59 प्लस 41 इंटू 59 माइनस 41, 59 प्लस 1 41 वो हमारे पास 100 आ जाएगा, 59 माइनस 41 वो क्या आ जाएगा 18, 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7.7 होल स्केयर माइनस 2.3 होल स्केयर, अप्लाई करेंगे फार्मूला जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी के तहत हम लोग इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, 7.7 प्लस 2.3 इंटू 7.7 माइनस 2.3, 7.7 प्लस 2.3 ये हमारे पास 10.0 आ जाएगा और 7.7 माइनस 2.3 ये आ जाएगा 5.4। अब 10.0 इंटू 5.0 इनको मल्टीप्लाई करने से ये 54 हमारे पास आंसर आ जाएगा।